बिना अपना नाम और अपना पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने 10th और 12th सेंट जोसेफ स्कूल NTPC कहलगांव से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर से किया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपार्टमेंट था। मेरी हॉबी योगा करना है। और आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। और आपने बताया कि बीटेक आपने किया है गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर से, है ना? जी सर। किस स्ट्रीम में किया है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक तो आपने इंजीनियरिंग किया और फिर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, सब्जेक्ट भी आपने चेंज किया है, सोशियोलॉजी रखा है, तो क्या कारण है? सर, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है उसको चूज़ करने का ये कारण है कि वो समाज से जुड़ा सब्जेक्ट है और जिस फील्ड में मैं आना चाहती हूँ वो भी एक समाज से जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से मुझे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिल पाएगा और मैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकूंगी। आप अगर कंफर्टेबल फील करें तो आप मास्क हटा के जवाब दें। मास्क हटा सकते हैं। वीडियो ऑन है क्योंकि। हाँ बताइए। जैसा कि मैंने कहा सर कि समाज शास्त्र जो सोशियोलॉजी मैंने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से मैं ये सब्जेक्ट चूज की हूँ ताकि मुझे आगे काम इस फील्ड में काम करने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। अच्छा, लोगों से जुड़ा होने के कारण मैं सब्जेक्ट रखा हूँ। जी सर। और कोई सब कुछ नहीं था, इंटरेस्ट वगैरह नहीं था इसमें? नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट से भी बेहद अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है। सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताइए इसके बारे में आपने सोशियोलॉजी का अध्ययन करने के बाद कुछ ग्रास किया हो, सीखा हो। सोशियोलॉजी का अध्ययन करने के बाद? हाँ, जैसे सर क्या मैं 2 मिनट ले सकती? जैसे कि सर सोशियोलॉजी को पढ़ने के बाद उससे पहले मुझे लोगों को जानने का मौका उतना नहीं मिला था, लोगों के पर्सपेक्टिव समझने का मौका नहीं मिला था। और जो सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो समाज है उसका पर्सपेक्टिव समझ में आया। जैसे कि भारतीय समाज जो होता है वो अलग तरीके से होता है और जो पाश्चात्य समाज है वो अलग तरीके का होता है, तो वो दोनों समाज को पढ़ने का मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला, डिफरेंट अलग अलग तरीके का रिलीजन को सोसाइटी को जानने का मौका मिला मुझे। जी, वेरी गुड। आपने बताया कि जैसे आपका भारतीय समाज या फिर पाश्चात्य समाज, जी सर, तो दोनों में से जो पढ़ने के बाद, जी सर, पढ़ने के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर। सोशियोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको इन दोनों में से कौन सा समाज या सामाजिक व्यवस्था बेहतर लगी? सर, भारतीय व्यवस्था ही मुझे बेहतर लगी क्योंकि ये एक तो पुरानी सभ्यता है हमारी, पूरे विश्व की पुरानी सभ्यता है, और जो बैलेंस भारतीय समाज रखता है, एक समाज को व्यवस्थित रखता है, वो पाश्चात्य सभ्यता नहीं रखती। लेकिन भारतीय तो 80% पाश्चात्य सभ्यता को अडॉप्ट कर लिए हैं। यदि हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नेचुरली जो है हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी हम लोग पाश्चात्य समाज को वरीयता दे रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे समाज, भारतीय समाज ऐसे हैं जो पाश्चात्य समाज को अपनाते हुए भी भारतीय सभ्यता में विश्वास रखते हैं।
अच्छा, जो समाज में बहुत सारी बातें आती हैं जैसे कि धर्म है, कानून है ना, और बहुत सारे तथ्य रखते हैं जो समाज को नियंत्रित करने का काम करते हैं, और बताइए कि और समाज को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप जानती हैं? सोशल कंट्रोल अभी जैसे गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सोशल कंट्रोल करने में मदद करती है, और अच्छा छोड़िए, बताइए इस क्वेश्चन को, आप अपने घर में बचपन से लेकर के अभी तक जो आपने अनुभव किया, क्या कुछ ऐसा लगा कि वहाँ पर आपको सिखाया गया इसके बारे में, सोशल कंट्रोल के सिद्धांतों के तहत कुछ आपको लर्निंग दी गई, सिखाया गया परिवार में? जी सर, हर एक फैमिली में एक डिसिप्लिन जो मेंटेन होता है, डेकोरम जिसको बोलते हैं, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन होता है, जैसे कि अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो बाहर नहीं जाना है, और सुबह होते ही माता पिता का पैर छू कर प्रणाम करना है, ज़्यादा रात हो जाने पर बाहर नहीं जाना है, ये सोशल कंट्रोल होगा क्या, कहा जाएगा क्या इसे सोशल कंट्रोल? अच्छा, आज बताइए कि आज 1 मई है, कौन सा दिवस है आज? लेबर डे। लेबर डे, ये लेबर डे कब से मनाया जा रहा है? सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मैं गेस कर सकती हूँ। ठीक है, 1928। अच्छा जी, और बताइए कि अभी बिहार में किन किन जिलों में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है, ऐसे 3 जिले का नाम बताना। आपने कहा कि आपकी हॉबी योग है, जी सर, आप मुझे योग की परिभाषा किसी भी विद्वान के अनुसार बतला सकते हैं कि योग की क्या परिभाषा है? सर, आत्मा को जो परमात्मा से मिलन होता है उसे ही योग कहते हैं, योग का मतलब ही होता है जोड़। ये परिभाषा किसने दिया? ये बताइए कि योग पर एक पुस्तक लिखा गया है, जी, योग सूत्र, वो किसने लिखा है, किनका लिखा हुआ है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अक्सर योग और आसन में क्या अंतर है? योग तो अक्सर हम लोग यूज करते हैं, योग आसन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आसन? सर, आसन जो है वो योग का एक भाग है। कितने भाग हैं योग? 8। बता सकेंगे? सर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि। ठीक है, तो मुझे ये बताइए थोड़ा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, जी, ये बताइए कि एक प्रशासक के रूप में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो आपको किस प्रकार से मदद करेगी? जी सर, जैसा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो एक इंजीनियर का जो गुण होता है कि किसी कल्पना को वास्तविकता में बदलना, वो मेरे में वो क्वालिटी है जिसे मैं अपने जब मैं काम करूंगी तो उसे मैं कर सकूंगी। और अच्छा, तो आपका कहना है कि जो एक एक्विपमेंट डेवलप हो जाता है काम करने की शैली के प्रति जो इंजीनियर्स में, वो आपके प्रशासन में कार्य करने की शैली, मतलब कल्पनाशीलता और उसको साकार करने वाली जो भावना है। ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा मुझे ये बताइए कि बिल्कुल अलग अलग तरह की पढ़ाई की है आपने, एक इलेक्ट्रिकल साइड से पढ़ाई किया जो बिल्कुल मशीन का अध्ययन है, दूसरा आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है जो बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं का अध्ययन है, आपको ऐसा नहीं लगता कि डिफरेंट स्ट्रीम की पढ़ाई करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग दिशाओं में खींचा चला जाता है और उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है? जी नहीं सर,
इंसान की उससे मौलिकता नष्ट होती है। जो अगर मुझे मशीन का नॉलेज है तो ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपने अध्ययन किया है, आप मुझे थोड़ा हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन से क्या रिश्ता है? हिग्स बोसॉन पार्टिकल सर, ये गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये क्या चीज़ है सर, गेस कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बताइए। चलिए ठीक है, आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं सोशियोलॉजी में, पहचान का संकट, ये पहचान का संकट क्या होता है? ठीक है, आप थोड़ा मुझे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बताइए, सभ्यताओं का संघर्ष। ठीक है, देखिए हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, एक लड़की होते हुए आपने प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी को प्रारंभ रखा है, ये काफ़ी चैलेंजिंग है और मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपके एजुकेशनल करियर भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। मुझे ये बताइए कि यदि एक लड़की होते हुए आपका चयन पुलिस सेवा में या फिर प्रशासनिक सेवा में होता है और वहाँ अगर आप खुद को कम्फर्टेबल नहीं पाती हैं, आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए कि आपका पुलिस सेवा के लिए चयन हो गया और बाद में आप ये महसूस करते हैं कि नहीं उसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फिर आप किस प्रकार से अपने कार्य में अपनी मानसिकता में तालमेल बैठाएंगे? सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हॉबी योग है, तो मेरी मानसिक संतुलन जो मेरा मेंटल हेल्थ है वो अगर किसी भी तरह से बिगड़ता है तो मैं इसे संतुलित करने में सक्षम हूँ, और अगर किसी भी कार्य करने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मैं उससे पहले अपने सीनियर से कांटेक्ट करूंगी और उन्हें अपनी दिक्कत के बारे में बताऊंगी ताकि वो मेरा सलूशन कर सके। ठीक, आपका सेवा में कौन कौन से पद को आपने प्राथमिकता में रखा, पहली प्राथमिकता में कौन सा पद रखा? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इस बार है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अभी अपने भाड़ा में कौन कौन सा पद को रखेंगे? चलिए यार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, और दूसरा दूसरे नंबर पे सर सप्लाई इंस्पेक्टर, तो सर लॉर्ड बोलना है सप्लाई इंस्पेक्टर, और तीसरे नंबर पे सर मुझे पोस्ट के बारे में अभी पोस्ट के बारे में आपने क्लियर नहीं किया है कि कौन सा रखना है। ठीक है, प्रशासनिक सेवा यदि आप रखते हैं क्या विजन होगा आपका, प्रशासनिक सेवा में आप क्या काम करना चाहेंगे? सर प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ पाऊँगी और जो भी जिस एरिया में मैं पोस्टेड होंगी अगर वहाँ जो भी प्रकार जिस भी प्रकार की दिक्कत होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आप क्या महसूस करते हैं किस किस प्रकार का दिक्कत होता है, मतलब रूरल एरिया में यदि आप मान लीजिए ब्लॉक स्तर पे या मंडल स्तर पे आप अपॉइंट होती हैं तो आपने कभी महसूस किया है कि वहाँ पे लोग किस तरह की समस्याओं से रूबरू होते हैं? जी सर, जैसे कि विलेज लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो अगर दूर दराज के इलाके रहते हैं तो वहाँ पानी की समस्या रहती है, जो पिछड़े इलाके रहते हैं वहाँ बिजली की भी समस्या रहती है, और लोग बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता है अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ये सब काम आपके जो प्रिडिक्शन में रहेगा, जैसे मान लीजिए कि पानी नहीं है या बिजली नहीं है? जी सर रहेगा, जो प्रिडिक्शन में रहेगा कि दूसरा कोई देखेंगे इसको, इसको देख लेना है। जी ठीक है, सोशियोलॉजी में पेरेंट किसको कहते हैं, पेरेंट और सिंगल पेरेंट, पेरेंट का क्या मतलब होता है, सिंगल पेरेंट का क्या मतलब होता है? सर पेरेंट का मतलब होता है कि जो दो अपोजिट सेक्स अगर मिलकर एक फैमिली चलाते हैं तो पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट में सिर्फ एक ही सेक्स होता है। बिहार में जो है सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अब क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पे पूरा नियंत्रण है बिहार में कि भ्रष्टाचार हो रहा है? जी सर बिल्कुल,
भ्रष्टाचार पे मुझे लगता है कि नियंत्रण है बहुत हद तक, सरकार ने नियंत्रण करके रखा है। आप महसूस किए हैं इस बात को कि? जी सर, मैंने ये महसूस किया है। कैसे, थोड़ा बताइए। अगर मैं जैसे कि नीतीश कुमार जी का जो श्री नीतीश कुमार जी का जो आप अपना अनुभव बताइए कि कैसे, यदि आप कोई काम कराने गई हैं तो कैसे आपका काम अच्छे से हो गया जहाँ पे आपको लगा? सर, हाल फिलहाल में मैंने जो अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी तो वो बहुत जल्दी बन गया, इसकी अपेक्षा मैं 10 साल पहले जब गई थी तो वो बनने में बहुत लेट हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आपको लगा कि? हाँ, ये मुझे लगा कि बहुत जल्दी काम हो गया। और अभी जो ई फैसिलिटी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी आया हुआ है, जिसकी वजह से और भी जल्दी काम हो जाता है। कौन कौन सा फैसिलिटी है जो सरकार दे रही है कि लोगों का काम जल्दी से हो जाए? सर, RTPS। RTPS और एक कोई लोक शिकायत निवारण, जहाँ पे आपका यदि काम नहीं होता है तब वहाँ शिकायत दर्ज करके आप अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। बिहार सरकार जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही है। जी सर। और सरकार जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी चाह रही है कि महिलाओं की भागीदारी अच्छी हो, और चूँकि सरकार को लगता है कि महिलाएं जो है बहुत अच्छा कर रही हैं, इसीलिए उनको पार्टिसिपेशन के लिए सरकार बहुत सारा काम कर रही है। बताइए कि किन किन स्तरों पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है? सर, जैसे कि कन्या उत्थान योजना है, और कन्या उत्थान योजना है, और क्या है कन्या उत्थान योजना, क्या है? और कोई काम जो पोशाक योजना है सर, और कोई बड़ा काम बताइए जो सरकार, जैसे जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आएंगे। जी सर। तो आपको क्या लगा कि आपको कुछ लगा होगा कि भाई सरकार का ये यदि पहल नहीं रहता तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, या इस यहाँ तक आने में आपको ज़्यादा समस्या या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती? सर, उसके लिए इंटरमीडिएट पास छात्राओं को सरकार 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दे रही है। और सर का पूछने का मतलब है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं में, चाहे पॉलिटिकल हो, है ना, सोशल हो, या फिर जॉब के फील्ड में हो, उसमें क्या हुआ है महिलाओं के लिए? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट फील्ड, जैसे राजनीति में भी गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज में जो है वुमेन महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है। आप जब जो सरकार BPSC या STR सिलेक्शन से जो भी वैकेंसी ला रही है उसमें 33% वुमेन को रिजर्वेशन दे रही है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आ सकें। और जो बेसिक बुनियाद जो है सामाजिक व्यवस्था का या राजनीतिक व्यवस्था का, उसमें वो अपना योगदान दे सकते। बाकी सब तो सपोर्टिव है, जो सरकार जो है जन्म से ही व्यवस्था की है कि एक अच्छा हेल्दी बेबी हो, और वो जैसे जैसे आगे बढ़े उनके लिए सरकार हर एक स्तर पर व्यवस्था। लेकिन जब तक उस व्यवस्था में जब आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब आप डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे, तो फिर उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। सरकार यहाँ तक व्यवस्था की है कि वुमेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लें, राजनीति में हिस्सा लें, और अपना जो है नीति निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएं। अच्छा, बताइए कि महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि जब आप फील्ड में आपकी बहाली होगी तो वहाँ कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं? जैसे आप ब्लॉक रिमोट एरिया में, और आप वहाँ ऑफिसर, जैसे आपने कहा कि आप सेकंड नंबर पे सप्लाई ऑफिसर हैं, और सप्लाई ऑफिसर का काम होता है कि जो भी जिनके पास भी जो उस जुड़े हुए जतरण जन वितरण प्रणाली से, उन तक राशन पहुंच रही है नहीं, और इस काम को जांचने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा। तो इस क्रम में आप महसूस करती हैं कि कोई दिक्कत होगी, या कहीं सुना है कि महिलाओं को परेशानी होती है? मुझे तो जहाँ तक पता, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
कमरा कटता है। कैसा रहा? अच्छा था, ठीक ठाक था। मैंने पढ़ा नहीं था पूरा, डरना नहीं है सोशियोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो सब देख लेना है, तो जो सब्जेक्ट को देखना चाहिए और थोड़ा सा आवाज़ में है ना एनर्जी झलकनी चाहिए। शुरू में ठीक था एनर्जी, बाद में लगा कि जैसे दो चार सवाल छूटने के बाद लगा कि एनर्जी पूरा लो गया। वैसा नहीं करना है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जानते कोई बड़ा इशू नहीं। ऑफिस में जब काम करोगी तो तुम्हारी आवाज़ से ही लोग है ना चलेगा आगे, ऑर्डर को मानेगा, वो एनर्जी लेवल चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने बारे में बताइए जिसमें अपना व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है तो बताइए। उसमें एकेडमी के बारे में बताना है, कैरियर के बारे में तो बताना ही है, हॉबी के बारे में तो बताइए, दैट्स गुड। अपने इंटरनल जो क्वालिटीज है, आंतरिक गुण है, जो कोई व्यक्ति होता है डिटर्मिनिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ सोचता है, काम करता है, या फिर लेबोरियस होता है ना, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना, तो उन गुणों को भी बताना है ना। यही ना पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम सिलेक्ट करें। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ को बताने के साथ साथ अपने उस पॉजिटिव आस्पेक्ट्स को भी बताने की कोशिश यहाँ पर करना है, वही मौका दिया जाता है बताने का। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा, सोशियोलॉजी क्यों रखा? उसमें तुमने बताया कि इससे समाज का सेवा करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी हमें, तो सब सोशियोलॉजी ही रख लेगा है ना, तब सब विद्यार्थी सोशियोलॉजी रख लेना चाहिए, तो अनिवार्य कर लेना चाहिए था। तो ये आंसर उस तरह से नहीं, तुमको क्या अच्छा लगा सोशियोलॉजी रखने में, है ना, क्या वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, क्या वो सब्जेक्ट को पढ़ने में तुमको लगा कि भाई सब पढ़ के हम पास कर सकते हैं, फाइनली जिसे भी पास तो करके आए हो इंटरव्यू देने के लिए कर सकते हो ऐसा लगा, है ना। दूसरा क्या था कि सोशियोलॉजी हो सकता है कहीं तुम कुछ ऐसा हेल्प मिल गया बहुत आसानी से, इंटरेस्ट भी था, हेल्प भी मिला, तो रखने के कारण जो होता है ना जेन्यून, ठीक है वो बोलना है। जैसे तुमने कहा था, सर ने पूछा था, तो इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। तुम यहाँ क्या किया, वास्तविकता कल्पना में जा रहे हो, है ना, कि भाई समाज की सेवा, तो सब सोशियोलॉजी ही रखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लेगा, तो उस तरह का आंसर नहीं देकर रियल आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, और सोसाइटी के बारे में इसे बताया था कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज दोनों में से कौन सा समाज बेहतर है, ठीक है ना, तो कोई भी भारतीय होगा तो बोलेगा भारतीय समाज, लेकिन जो वहाँ होगा बैठा हुआ जो होगा अमेरिका वाला और ब्रिटेन वाला, वो क्या बोलेगा, वो अपने समाज को बेहतर कहेगा, कोई भी कहता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे क्या, इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर थोड़ा बात करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहिए कि देश काल के संबंध में जो समाज है, स्थापित समाज है, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे भारतीय, दोनों ही बेहतर हैं। लेकिन जो हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, जो तुम चूँकि पढ़ी हो, पढ़ने का आधार बोला गया, तो उसके आधार पर हम, मुझे लगता है कि ऐसे तब बताना है कि कंफर्टेबली बेहतर है या खराब है, क्या सर इस टाइप सोचना है। समाज का इवोल्यूशन होता है, विकास होता है समाज का, समाज में रहते रहते लोग अपने लिए नियम बनाते हैं, मर्यादाओं का आरोपित करते हैं, उस म्यूचुअल सहमति बनती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का जो रूसो का है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो आपको सोसाइटी का इवोल्यूशन और सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया बताना है। आज जो हम शर्ट पैंट पहन रहे हैं, शादी विवाह में हम धोती कुर्ता भी पहनते हैं, शेरवानी भी पहनते हैं, तो हमारा जो समाज है ना ऑल एसिमिलेटिव समाज है। भारत जो है पूरी दुनिया में विश्व गुरु इसीलिए भी माना जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को तत्काल आत्मसात करता है। कई आक्रमणकारी यहाँ आकर रच बस गए, समझ रहे हैं, हमने उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाया, अपनी अच्छी चीज़ों का प्रसार किया, ठीक है। तो ये आपको सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया, ठीक है, ये चीज़ आपको बतलाना था, ये वर्ड आना चाहिए। समाज का विकास होता है और सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया के द्वारा एक समाज दूसरे समाज से जुड़ता भी है। आज हमारे यहाँ कई मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कई गुरुकुल भी हैं, विद्या मंदिर भी हैं, तो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल पश्चिमी समाज के खांचे में ढला हुआ नहीं है। हमारा समाज जो है वो बिल्कुल आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से चल रहा है, ठीक है, आत्मसातीकरण। आज लड़कियां भी जीन्स पहन रही हैं, आत्मसातीकरण ही तो है ना। ये एक चीज़ था। और दूसरा, आपने आँख ऊपर करके आसमान की तरफ देखा, वो अच्छा अच्छा जेस्चर नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी आपने हॉबी में जो कहा ना योग है, तो आपको कम से कम उन 7 चक्रों के नाम याद होने चाहिए, और पतंजलि का नाम आपने नहीं बोला,
कि पतंजलि का तो योग सूत्र है और इसमें पतंजलि की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। ठीक है, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, जो कि डेथ के पश्चात होते हैं। लेकिन जीवन में इस चीज को समझना कि हमारे पास जो आत्मा है वो परमात्मा की शक्ति से संचालित है ना, तो हमारे शरीर से वो आत्मा निकल जाए कम्प्लीट हो गई, तो उस आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए योग मदद करता है। ठीक है, अब आपको योग में सातों चक्र बताना था। एक चीज़ बाबू जो थोड़ा सा पहचान का संकट मैंने पूछा, ये बड़ा पिक्यूलियर चीज़ है। पहचान का संकट ये होता है ना कि एक बड़ी आबादी एक छोटी आबादी पर अपनी पहचान लाद देती है, जैसे आदिवासी समुदाय हो गया या छोटा समुदाय हो गया जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक या फिर वैज्ञानिक कारणों से कुछ पिछड़ा हुआ या फिर बाहर से जो लोग माइग्रेट करके आए हैं। कई बार आतंकी घटनाओं के पीछे पहचान का संकट दिखता है। आपके जीने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन हो, कि आपको जाने को कि आप हैं क्या, आप गुमनामी में नहीं पैदा लेके गुमनामी में नहीं मर गए। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन का बड़े से बड़े वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, क्यों करते हैं, उनको खाने पीने का थोड़ा दिक्कत है। तो पहचान का संकट कहने का मतलब ये है ना कि ऐसे समुदाय हाशिए पे पड़े हुए लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनका कोई से नहीं है सोसाइटी, पहचान आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सोशियोलॉजी के अध्ययन का एक उद्देश्य है। ठीक है, अलग अलग जातीय भाषाई समूह की पहचान करना, उनके योगदानों को रेखांकित करना और भावी पीढ़ी को और योगदान की योग करना। एक वो था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हटिंगटन का है। ठीक है, सैमुअल हटिंगटन की थ्योरी और सोशियोलॉजी का पिक्यूलियर चीज है, देख लीजिएगा सभ्यताओं का संघर्ष। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था हिग्स बोसोन पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल जिसे कहते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड वगैरह में जो रिसर्च अभी चल रहा है, आपको बोसोन के बोस के बारे में भी बताना था। ठीक है, कि इस वैज्ञानिक के नाम पर ये रखा गया है। और मुझे जो समझ में आता है इसका, आपने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल, मुझे जो समझ में आता है आप और आगे स्टडी कर लेंगे, कि संसार में किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे इसे हिलाना है तो मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन अपने जो ऑर्बिट होता है उसमें वो मूव करते रहता है, समझ रहे हैं बात को, तो वो मूव करने का जो बेसिक एनर्जी है ना, ठीक है, वो केवल चार्ज से डिफरेंट भी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इससे वो मूव करता है। ठीक है, मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक एनर्जी है अर्थात वो क्या चीज़ है जिससे कोई चीज़ मूव करती है, समझ रहे हैं बात को, एनर्जी के उस थ्योरी को खोज करना कि व्हाट मेक्स द पार्टिकल मूव इन द न्यूक्लियस। ठीक है, वो चीज़ है, केवल सब उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी स्टडी है, लेकिन क्या कहाँ से वो एनर्जी आता है, इसी वजह से उस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहा गया, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी कि उसको मूव करने का कारण बनता है। और मतलब ऐसा है कि जितना जवाब आपने दिया उसमें आप कई बार ब्लैंक हो गए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, आप दो चार इंटरव्यू और दे लीजिए। और मेरा आपको सलाह, दो सलाह है। पहला सलाह है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है अभी, ठीक है, दो न्यूज़पेपर, और टीवी न्यूज़ सुनना है सुबह में आधा घंटा, शाम में आधा घंटा, और डिस्कशन वाला सुनना है, टीवी भी सुनना है। ठीक है, यूट्यूब पर भी डिस्कशन होता है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी का जो सोशियोलॉजी है 11th और 12th क्लास का, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। बिकॉज क्यों पढ़ लेना है, क्योंकि अभी जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता जैसे विषय हैं, ठीक है ना, तो उस विषय पर प्रश्न रहेंगे, जाति क्या है, वर्ग क्या है, ये सब। तो एनसीईआरटी का 11th और 12th का जो बुक है वो इंटरव्यू बोर्ड के मेंटेलिटी को भी मैच करता है, उसमें बड़ी संतुलित बातें लिखी रहती है, और पतला पतला किताब है, उतना हार्डली आप दो दिन में पढ़ जाएंगे। ठीक है, हिंदी वाली ले लीजिए, जो आप लेंगे हिंदी वाली ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के 11th 12th बुक और न्यूज़पेपर एंड टीवी न्यूज़ डिस्कशन। एक क्वेश्चन था पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स हो गया कि जो बच्चे अपने माँ पिता के साथ रहते हैं, सिंपल जवाब। और सिंगल पेरेंट का मतलब होता है कि सिंगल माँ या बाप के साथ यदि कोई बच्चा रहता है, दोनों में से किसी एक के साथ, तो वो सिंगल पेरेंट। ठीक है, यदि बच्चा माँ बाप के साथ रहता है तो दैट्स आर पेरेंट। और सिंगल पेरेंट हो गया यदि माँ या पिता में से किसी के साथ बच्चा रहता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आप में पोटेंशियल है, लेकिन अभी थोड़ी सी रिविजन नहीं हुई है, इसीलिए इंटरव्यू या कहवा मेन एग्जाम। ठीक है, नर्वस नहीं होना, मैं जैसे नोटिस किया है साइकोलॉजी कि आप काफ़ी नर्वस दिख रहे हैं, खुल के बोलिए और पूरे परस्पेक्टिव में बोलिए, मतलब खुल के बोलिए, कम शब्दों में लेकिन खुल के बोलिए, ऐसे एकदम डिटरमाइंड होकर इंटरव्यू में जाना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नर्वस नहीं होना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, नॉलेज अच्छा है, सोशियोलॉजी को पकड़ रहा है एकदम लिमिट दायरे में कि मेरे को इंटरव्यू में अच्छा करके आना है, नर्वस नहीं,
एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे बड़ी कमी जो मैं देखा ना, बस आपके पास नॉलेज है सारी चीज़ें, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप एक्सक्यूज कर सकते हैं, अच्छा बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना नर्वसनेस तो आता है। और सर ने जो कहा NCERT की बुक्स, उस पर बिहार और महिला संबंधी मुद्दे वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, बिहार पे भी अच्छा, महिला संबंधी मुद्दे भी आपको देखने की, और जो बताया था कि NCERT जो सोशियोलॉजी पढ़नी तो आपको कंप्लीट पैकेज। अभी इस पर और चर्चा होगी क्लास में, बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप अगर DSP बनते हैं तो आपका क्या विजन होगा, आप प्रशासन में जाएंगे तो क्या विजन होगा पूछा गया था, तो उसका आंसर थोड़ा सा और सारगर्भित होना चाहिए। विजन का मतलब ही होता है कि जो काम हम करेंगे तो उस डिपार्टमेंट का, उस पद का, ठीक है ना, एक अपना इथिक्स होता है, वैल्यू होता है, उस इथिक्स पर हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, और हम किस दिशा में, ठीक है, अपने वर्क को ले जाएंगे, और पब्लिक से कैसे अटैचमेंट होगा, पब्लिक के कार्य को कैसे करेंगे, सरकार की योजनाओं को कैसे लागू वहाँ करेंगे, और एक सफल अधिकारी के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, ये सारे विजन होते हैं, है ना। इस पर हम चर्चा करेंगे, तो उस पर और ये होगा बेहतर हो जाएगा। नीतीश कुमार का नाम जैसे लिया उसमें करप्शन वाले में या जीरो टॉलरेंस वाले में, तो हम जब कभी भी किसी विधायिका या न्यायपालिका के मेंबर का नाम लेना है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बोलना है, माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है ना, वर्तमान मुख्यमंत्री नाम लेने से बचे तो भी ठीक, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है सर, डिसेंसी मेंटेन करना है। अभी खासकर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आता रहता है कि भाई जो कार्यपालिका के ऑफिसर्स लोग, एग्जीक्यूटिव लोग हैं, उनको लेजिस्लेटिव के मेंबर को सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान वहाँ भी दिखना चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड में दिखना चाहिए। फिर सर ने हॉबी के बारे में पूछा था, तो तुमने बताया था कि जैसा आप जानते हैं मेरी हॉबी योगा है ना, कहे पे जाने का, तो तुम्हारी हॉबी क्या है, ठीक है ना। वहाँ बोलना चाहिए कि सर जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना, बताया था, दोनों एक ही बात है, लेकिन जब बात करेंगे तो दोनों का असर अलग अलग। बाकी सब बहुत अच्छा है, ऑनेस्टी है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना, डिसेंसी दिख रही है, ठीक है, सिंप्लिसिटी दिख रही है, सब क्वालिटी होता है, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाना है, फेस ज़्यादा सीरियस नहीं रखना है, कल भी हमने बताया था, हल्का सा स्माइल फेस पे, हल्का सा स्माइल रहना चाहिए। दूसरा कभी कभी माउथ जो है तुम ऐसे है ना, ऐसे करने लगते हो, बंद करने लगते हो, तो कोशिश करना चाहिए उसे बचने का, ऐसे बहुत ख़राब नहीं है वो, लेकिन उसे बचने की कोशिश करना। सर तो आँख वाला बताया था, ऊपर देखी थी, आई कांटेक्ट बनाए रखना है जैसे, ठीक है ना, ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, सब ठीक था। बाकी इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी में सर ने कहा था कि मौलिकता नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था रिएक्शन, तो ये सब तो पैरामीटर है ना विद्यार्थी को चेक करने का, थोड़ी कि मौलिकता नष्ट ही हो जाती है, तो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है उसको, उतना बेहतर हो सकता है। देखिए किसी चीज़ का जब अध्ययन करते हैं ना तो ग्रास रूट टेबल पे जाते हैं, सोसाइटी, सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, क्यों साइंस है, क्योंकि साइंस क्रमबद्ध अध्ययन है। इस समाज जो आज हम देख रहे हैं इसका आदिम रूप अलग था, क्रमबद्ध परिवर्तनों पर जब अध्ययन करते हैं, क्या हिस्ट्री में हम कार्बन डेटिंग पद्धति नहीं इस्तेमाल करते हैं, कि सोशियोलॉजी में भी हम लोग ब्लड ग्रुप का स्टडी तो करते ही हैं। तो विज्ञान चीज़ों को पढ़ने का तरीका है, विज्ञान साइंस इज नॉट ए सब्जेक्ट, इज अ वे ऑफ स्टडी इन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कहना था आपको कि सोशियोलॉजी को पढ़ें या फिर आप फिजिक्स को पढ़ें, आपको जो विषय अलॉटेड है, जो विषय का आप अध्ययन करते हैं उसमें क्रमबद्धता का आप अध्ययन करते हैं, चाहे वो इतिहास हो, सोशियोलॉजी हो, तो आपको ये कहना था कि ठीक है दोनों डिफरेंट स्ट्रीम है, ठीक है, साइंस जो है बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीम है दोनों, लेकिन दोनों के पढ़ने का तरीका सर ऐसा है, एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। और आपको ये कहना है कि एक विषय के अंतर्गत हम लोग वर्तमान आधुनिक परिवर्तनों को जानते हैं, तकनीकी परिवर्तनों को, एक विषय के अंतर्गत हम समाज में, जबकि तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, हाँ लिंक्ड, इंटरलिंक्ड है। तो आज मोबाइल आया है, ये टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी का रूप बदल रहा है, मार्केट का रूप बदल रहा है, तो सारे परिवर्तन और सारे विषय इंटरलिंक्ड है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि विषय एक है अध्ययन की सुविधा के लिए हमने, ज्ञान एक है अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसे विषयों में विभाजित करा था, ज्ञान एक है, ठीक है। थैंक यू सर।